आज हम बात करेंगे आर्टिकल 370 के डे 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें, आर्टिकल 370 मूवी के लीड रोल में यामी गौतम के साथ साथ प्रिया मणि ने भी काम किया है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाल मचा दिया। इस मूवी की ऑक्यूपेंसी रेट मॉर्निंग से ही 42.83% बताई जा रही है। वैसे देखा जाए तो ये मूवी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, इस वजह से काफी लोग इस मूवी में दिलचस्पी रखते नजर आए हैं और इस मूवी के काफी पॉजिटिव रिव्यू भी सुनने को मिल रहे हैं। अब बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो कल फ्राइडे का दिन था और इस मूवी का फर्स्ट डे भी था। कल इस मूवी का इंडिया नेट कलेक्शन 6 करोड़ का और इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन 7.5 करोड़ का रहा। वहीं ओवरसी मार्केट की बात करें तो अर्ली रिपोर्ट्स 5 करोड़ तक की बताई जा रही है और वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात करें तो 12.5 करोड़ ये मूवी कमा चुकी है। इससे थोड़े बहुत आंकड़े ऊपर ही देखने को मिल सकते हैं। वहीं कल की बात करें तो कल हिंदी सिनेमा का लोवेस्ट डे था। सभी मूवीज की टिकटें ऑनली 99 रुपए में मिल रही थी, इस वजह से कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन में उछाल नजर आएगी। आगे बात करें डे 2 की, तो सैटरडे का दिन है और जिस तरह इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यू मिले, इसके कलेक्शन में भी बढ़ोतरी होती नजर आई। बात करें डे 2 के इंडिया नेट कलेक्शन की, तो तकरीबन 9 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेगी। इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन 11.5 करोड़ और ओवरसी मार्केट से भी 7 करोड़ की कमाई हो सकती है और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 18.50 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। अब बात करें टोटल की, तो इन 2 दिनों में इंडिया का नेट कलेक्शन होगा 15 करोड़ का, इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन 19 करोड़ का रहेगा। ओवरसी मार्केट से 12 करोड़ का बिजनेस कर लेगी और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 21 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी इन 2 दिनों में। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मूवी 150 से 200 करोड़ का बिजनेस कर लेगी। वेल, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मूवी को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।